भगवान की ऐसी भक्ति आपने नहीं देखी होगी। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि भगवान भाव के भूखे होते हैं और जिसका जीता जागता उदाहरण आज देखने को मिला। नमस्कार, मैं हूँ सुमित बिश्नोई, आप देख रहे हैं SSSN न्यूज। आज आपको एक ऐसी घटना से रूबरू कराने वाले हैं जिसे देखकर आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। भाव, श्रद्धा, भक्ति हमने कहानियों में बहुत पढ़ी होगी और सुनी भी होगी, लेकिन देखने को नहीं मिलती। आज जीता जागता उदाहरण देखने को मिला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं, आप उन्हें क्या भोग लगा रहे हैं, कैसी पूजा कर रहे हैं, उससे भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भगवान के लिए क्या भक्ति रखते हैं, सिर्फ उससे ही भगवान को फर्क पड़ता है। इसी भाव का जीवंत उदाहरण देखने को मिला उत्तर प्रदेश के आगरा में। यहाँ खेरिया मोड़ के कृष्ण मंदिर पुजारी लेखराज सुबह सुबह अपने लड्डू गोपाल की प्रतिमा लेकर अस्पताल पहुँच गए। लेखराज अस्पताल में फूट फूट कर रो रहे थे, वजह थी उनके लड्डू गोपाल की प्रतिमा टूट गई। दरअसल लेखराज 35 सालों से मंदिर के पुजारी हैं। लेखराज के मुताबिक 19 नवंबर की सुबह जब उन्होंने लड्डू गोपाल को नहलाने के लिए उठाया तो प्रतिमा का हार टूट गया। पुजारी बेचैन उठे और लड्डू गोपाल को टोकरी में बिठाकर भागे भागे जिला अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों से लेखराज ने गुहार लगाई कि उनके लड्डू गोपाल का हार टूट गया है, जल्द ही इलाज किया जाए, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब उन्होंने काउंटर पर पर्चा बनवाने के लिए कहा तो गार्ड ने उन्हें फटकार लगा दी। बस फिर क्या था, अस्पताल में लेखराज फूट फूट कर रोने और बिलखने लगे। पुजारी का ऐसा रोना देखकर काउंटर कर्मचारी ने फोन पर इस बारे में प्रमुख अधीक्षक को जानकारी दी। उन्होंने पुजारी को अपने चैम्बर में बुलाकर शांत कराया, फिर लड्डू गोपाल का अस्पताल में पर्चा बनाया। दिलचस्प बात यह है कि काउंटर कर्मचारी ने श्री कृष्ण पुत्र श्री भगवान के नाम से यह पर्चा बनवाया। लेख सिंह की भक्ति भावना देखकर खुद अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर AK अग्रवाल ने लड्डू गोपाल के हाथ पर पट्टी बांधी। जिला अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर AK अग्रवाल बताते हैं कि पुजारी के श्रद्धा भाव को देखते हुए श्री कृष्ण पुत्र श्री भगवान के नाम से लड्डू गोपाल की पर्ची काटी गई। पहले तो रजिस्ट्रेशन काउंटर पर पहुंचा तो वो इंसिस्ट कर रहा था हमारे कर्मचारियों को कि इसमें क्या भगवान जी का बाल रूप था सर, उसके पास उसकी पूजा करते वक्त उसकी हाथ टूट गया था सर मूर्ति का, तो वो ये कह रहा था मेरा पर्चा जरूर बना इनके भगवान जी के नाम का। तो उन्होंने मुझसे फ़ोन करके पूछा क्या करें, तो मैंने कहा पर्चा तो बना दीजिए, फ्री में बना दीजिए। इसके बाद सर वो मेरे पास आ गए, कह रहे अब इसका प्लास्टर करिए। जब मैंने देखा तो मूर्ति का हाथ अलग था, लेकिन वो उसका इलाज पहले ही कर आए थे, खपच्चे वगैरह बांध लाए थे सर। वो कह रहे थे इसके हाथ पर पट्टी और बंधवानी है सर, तो सर उनके कहने पर मैंने पट्टी बांध दी सर। हालांकि अक्षोर अग्रवाल ने पट्टी बांधने के बाद पुजारी से ये भी कहा कि अब वो लड्डू गोपाल को फिर से मंदिर में ले जा सकते हैं और विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। हालांकि पुजारी ने ये बताया कि खंडित मूर्ति को मंदिर में नहीं रखा जा सकता, अब मंदिर में नई मूर्ति लाई जाएगी और उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। स्नान कराने का सिंहासन बैठाया तो एक मतलब गिर गए, गिरने के बाद उनका हट टूट गया। मैं सुबह से सर पटक पटक के नहीं रो रहा हूँ, दृष्टि खुली है तो मैं दवाई कराने के लिए आया हूँ, प्लास्टर चढ़ाने का फिर हमारे लोग। ये खबर पूरे ब्रज में अब चर्चा का विषय बन गई है। हिंदू धर्म ग्रंथों में श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। ताजा खबरें सबसे पहले देखने के लिए SSSN न्यूज को सब्सक्राइब करें और पास में दिख रहे बेल आइकन पर ऑल को ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले आए।